बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू स्पीक्स में खुश आमदीद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक नई वीडियोस पहुंच सकें, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक बुज़ुर्ग के बारे में आता है कि एक रात इनकी तहज्जुद की नमाज कज़ा हो गई। इन्होंने इसके अफसोस की वजह से सुबह उठकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगी। कुछ दिनों बाद फिर वो रात को सोए हुए थे। इस रात जहाद की वजह से बहुत ज़्यादा थकावट थी। तहज्जुद के कज़ा होने का वक्त करीब था। कोई आदमी आया और इसने इन्हें पकड़ कर जगाया और कहने लगा, जी आप उठें और जल्दी से नमाज पढ़ लें, तहज्जुद का वक्त जा रहा है। वो बुजुर्ग उठकर बैठे और कहने लगे, तू तो मेरा बड़ा खैर ख्वाह है कि ऐन वक्त पर जगा दिया, तुम्हारी मेहरबानी। ये तो बता कि तू कौन है। वो कहने लगा, मैं शैतान हूँ। इन्होंने कहा, शैतान तो किसी को तहज्जुद के लिए नहीं जगाता, उन्हें मुझे कैसे जगा दिया, तुम तो किसी का भला नहीं चाहते। वो कहने लगा, मैं आपका भला आज भी नहीं चाह रहा। वो बुजुर्ग बड़े हैरान होकर बोले और फरमाया कि तूने मुझे तहज्जुद के लिए जगाया है और कह रहा है कि मैं भला नहीं चाह रहा। वो मर्दूद कहने लगा, वजह यह है कि जब आपकी पहली तहज्जुद की नमाज कजा हुई थी तो इस वक्त आप इतना रोए थे कि आपको इस रोने पर इतना अजर मिला कि सालों की तहज्जुद पर भी इतना अजर नहीं मिल सकता। आप आज भी सो गए थे, तहज्जुद का वक्त जा रहा था। मैंने सोचा कि अगर आप आज भी इतना रोए तो आपको आज भी इतना अजर मिलेगा, इसलिए मैंने बेहतर समझा कि आपको जगा दूं ताकि आपको सिर्फ एक रात की तहज्जुद का अजर। सुभान अल्लाह।